आखिर क्या है कुलपाक जी का इतिहास? हमने अष्टापद तीर्थ के वीडियो में एक प्रतिमा जी का उल्लेख देखा था जो आज के कुलपाक या कुलानुपाक नगर के अंदर विराजमान है। आखिर उस तीर्थ का इतिहास क्या है, हमारे ग्रंथों में किस तरह से उसका उल्लेख मिलता है और उसका प्रभाव क्या है, वो आज हम इस वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से अनुभव करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कर्नाटक यानी कि आज का कर्नाटका के उस समय की राजधानी कल्याण नगर नाम की नगरी में शंकर नाम का प्रभावशाली महान राजा हुआ था। लगभग छठी शताब्दी की यह घटना है। कर्नाटक और आज का तेलंगाना, जिसे उस वक्त तिलंग कहा जाता था, वहां उस राजा का राज्य तप रहा था। वह राजा अरिहंत परमात्मा का परम भक्त था। एक बार उस राज्य में किसी हल्के देव ने मारी का यानी कि कोरोना जैसा ही एक रोग फैलाया। वहां उपद्रव मच गया और धमाधम लोग मरने लगे। इस कारण से राजा और प्रजा बहुत दुखी हुए। एक नियम है, जिस चीज का प्रारंभ जो व्यक्ति से होता है, जिस व्यक्ति से होता है उस चीज का अंत उसी व्यक्ति से लाना होता है। यह दैविक उपद्रव था, इसलिए दैविक साधना करनी आवश्यक थी। उस वक्त धर्म के प्रभाव से जिन शासन की अधिष्ठायिका पार्श्वनाथ भगवान की सेविका पद्मावती देवी ने रात्रि के समय स्वप्न में आकर राजा को कहा कि शंकर, समुद्र देव के पास से माणिक स्वामी की मूर्ति को लाकर नगर में पधराओ, जिससे तेरे देश में शांति हो। राजा आनंदित हो उठा। सुबह के समय में समुद्र की तरफ उसने प्रयाण शुरू किया और समुद्र के किनारे जाकर उसने उपवास किया, लवण यानी कि आज का इंडियन ओशन, वह के अधिष्ठायक देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर मंदोदरी रानी ने समुद्र में पधराई हुई निर्मल स्नुपाची मणि का जिनबिंब श्री माणिक स्वामी की प्रतिमा दी और साथ में कहा कि यह प्रतिमा जी से तेरे देश में लोग सुखी होंगे। शर्त सिर्फ इतनी ही है कि यह मूर्ति आपको ले जानी नहीं पड़ेगी, परंतु यह मूर्ति का चमत्कार ही इतना प्रभावशाली है, इतना विशिष्ट है कि गाड़े के द्वारा खुद से ही यह मूर्ति आगे चलती जाएगी। परंतु रास्ते में जाते वक्त जहां तुझे संशय होगा कि यह प्रतिमा जी आ रही है या नहीं आ रही है, वहां ये प्रतिमा जी स्थिर हो जाएंगे। राजा ने वो शर्त मंजूर रखी। राजा ने प्रतिमा जी को गाड़े में स्थापित किया और खुद के सैन्य के साथ आगे बढ़ा। परंतु आगे परीक्षा की घड़ी आई। आगे का रास्ता बहुत विकट था, पहाड़ और जंगलों में से रास्ता गुजरता था, इसलिए अनहोनी हो गई। राजा को संशय हुआ कि प्रतिमा जी आ रही है या नहीं। बस शासन देवी ने तेलंगाना यानी कि तेलंग देश में दक्षिण की काशी कहे जाने वाले कुलपाक नगर में प्रतिमा जी को स्थिर कर दिया। निरुपाय होने के कारण से राजा हताश तो हुआ, पर खुद के राज्य की सरहद होने के कारण से वह मायूस नहीं हुआ। राजा ने वहां ही मंदिर बना दिया और उस मंदिर में यह प्रतिमा जी हवा में ही रहती थी। यह प्रसंग विक्रम संवत 680 में बना था। राजा ने मंदिर जी में देव पूजन के लिए 12 गांव दिए थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो जगह खाली रहती है वहां यदि उसको ऑक्यूपाई नहीं करने में आए, उसे भरा ना जाए, तो वहां कोई और प्रवेश कर लेता है, और ऐसा ही कुछ वहां भी हुआ। प्रतिमा जी की गद्दी पर मिथ्यात्व देव का प्रवेश हो गया और उस प्रवेश को जानकर प्रतिमा जी खुद से ही उस देव के प्रभाव को कम करने के लिए सिंहासन पर चली गई, स्थिर हो गई। विक्रम संवत 1150 के बाद मूल नायक जी सिंहासन पर स्थिर हुए थे। विविध तीर्थकल्प नाम के ग्रंथ में इस माणिक स्वामी की मूर्ति के चमत्कार को बताते हुए श्री जिन प्रभा सूरी जी मार साहब ने लिखा है कि उस भगवान के अभिषेक जल यानी पानी से दीपक की ज्योति प्रकट की जाती है। प्रतिमा जी के स्नात्र जल से भीगी हुई मिट्टी नेत्र दोष वाला और अंधा व्यक्ति यदि खुद की आंख में लगाए तो उसे दिखना शुरू हो जाता है। देरासर जी के मूल मंडप में केसर के छांटने होते और उससे यात्रियों के कपड़े भी भीग जाते हैं। जिस मनुष्य को सांप ने डंका हो या काटा हो, यदि वो मंदिर जी में जाकर खड़ा हो जाए तो सांप का जहर उतर जाता है। यह प्रतिमा जी प्रभावशाली और चमत्कारी प्रतिमा जी है। यह भी आचार्य श्री जिन प्रभा सूरी जी की कही हुई बात है। आखिर ये प्रतिमा जी आई कहाँ से? यह सवाल का जवाब जानने के लिए हम जाते हैं आदिनाथ भगवान के समय में। भरत महाराजा ने अष्टापद पर्वत पर 24 तीर्थंकरों के देहमान वाली यानी कि उनके हाइट के जितने ही माप वाली प्रतिमाएं बनवाई थी, परंतु अष्टापद पर्वत पर हर एक मनुष्य जा सके वैसा नहीं था। इसलिए मनुष्य लोक पर उपकार करने के लिए स्वच्छ मरकट मणि की श्री ऋषभदेव प्रभु की मूर्ति बनाई गई थी और उसकी प्रतिष्ठा प्रभु आदिनाथ भगवान के पहले गणधर श्री पुंडरीक स्वामी के हाथों से कराई गई थी। वह प्रतिमा जी अष्टापद तीर्थ के ऊपर से विनीता नगरी में लाकर यानी कि अयोध्या नगरी में लाकर स्थापित की गई थी।
उसके पश्चात बहुत समय तक वह प्रतिमा जी विनीता नगरी में ही पूजी गई, अयोध्या नगरी में पूजी गई। उसके बाद विद्याधर इस चमत्कारी प्रतिमा जी को बैताड़ पर्वत पर ले गए थे। वहां से इस प्रतिमा जी को इंद्रलोक में लाया गया और देवताओं ने भी उनकी पूजा की। वहां से इंद्र की आराधना करके रावण ने प्रतिमा जी को मंगाई थी और खुद की सती पत्नी मंदोदरी को पूजा करने के लिए दी थी। उसके पश्चात श्री राम तथा रावण का युद्ध जब हुआ, उस समय मंदोदरी ने यह प्रतिमा जी को समुद्र में पधरा दी थी। अंत में जाकर विक्रम की 7वीं शताब्दी में पुलपाक जी में वह स्थापित हुई। हमें एक प्रश्न होगा कि हरे मणि से बनी हुई प्रतिमा जी आखिर काली कैसे हो गई? उसका रहस्य कुछ ऐसा है कि यह प्रतिमा जी पहले बहुत ही उज्जवल थी, हरी थी, परंतु लाखों वर्ष तक समुद्र में रहने के कारण से, समुद्र के नमक के कारण से यह प्रतिमा जी श्याम रंग की हुई, यानी काली रंग की हुई। देवलोक में से मनुष्य लोक में यह प्रतिमा जी को आकर लगभग 11,80,905 वर्ष जिन प्रभा सूरी जी मार्ग साहब के समय में हुए थे। आचार्य श्री जिन प्रभा सूरी जी तकरीबन 500 से 600 साल पहले हुए थे। ऐसी यह प्रतिमा जी की जो सभी के आस्था के केंद्र है, उसे हम भी दर्शन पूजन करके आदिनाथ भगवान के समय की प्रतिमा जी को साक्षात स्पर्श कर सकते हैं, यानी एक तरह से आदिनाथ भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। प्राचीन तीर्थों को जग जयवंत करने का हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।